साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। बाकी बाबा के आशीर्वाद से बाबा खुद यहाँ विराजमान होने वाले हैं। बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया, संकल्प लिया कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ से इजीली दर्शन कर पाए। इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत सम्पन्न हुआ। सरकार से जो भी ये आग्रह करेंगे निसंदेह सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। उन गौशाला संचालकों से मैं आग्रह करता हूँ कि उस गौशाला में वो विधिवत संचालन करें। इस वक्त मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ ये कोई आम भूमि नहीं है, बल्कि इसी जगह पर दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर केदारनाथ धाम, दिल्ली केदारनाथ धाम बनने जा रहा है। जो आज तक जो श्रद्धालु उत्तराखंड नहीं जा सकते थे, जो किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, उनके लिए ये जगह बनी है, बनने जा रही है। और आज वहाँ पर भूमि पूजन है। मेरे पीछे आप देखेंगे मुख्यमंत्री साहब भी है इसी मंच पर, और इसी मंच पर कई महान साधु संत भी है। लेकिन मेरा ध्यान सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उन पर गया है, और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, यहाँ पर जो केदारनाथ धाम बन रहा है इस देख करके खुशी मिल रही है कि नहीं? बहुत बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इतनी गर्मी में भी आप लोग बैठे हुए हैं भूमि पूजन के? बैठे उनके लिए, बाबा जी के लिए बैठे। अच्छा, हाँ जी। मुख्यमंत्री साहब आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमारे यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या जी, क्या कह रही है? हमारे तरफ उत्तराखंड की हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप लोग है कहाँ से? उत्तराखंड? हाँ, उत्तराखंड। कहाँ से? हम मासी चकोटिया के। अच्छा, इतनी गर्मी में बाबा, आपको लगता है बाबा यहाँ आएंगे? हमें तो लगता है। अच्छा, श्रद्धा? हाँ जी, श्रद्धा है हमारी। क्या कहेंगे आप लोग उत्तराखंड से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी गर्मी में हम धामी जी के लिए बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दिल्ली क्षेत्र में केदारनाथ धाम बने। हमें जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ की। अच्छा, आप लोग उत्तराखंड से, तो कोई गीत वीत गा देंगे वहाँ का? कोई गीत तो आता होगा आप लोगों को, तो सुनाइए। नहीं नहीं सुना दीजिए, एक गीत तो बनता है। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमारो, बजाया डमारो, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, डमारो की आवाज सुनी ब्रह्मा चले, डमारो की आवाज सुनी ब्रह्मा चले, जहाँ ब्रह्मा चले विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पीछे और भी महिलाएं, इनसे बात करूंगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को उत्तराखंड धाम दोबारा से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, मैं 10-15 साल पहले गई थी। हाँ। असली वाले केदार धाम। अच्छा। बैठ थक गए, लेकिन अब तो यही बस हाथ जोड़ूंगा, अब यही बस। हाँ जी, पहुँचने में जो समस्याएं आती थी, आपको लगता है अब यहाँ समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं, अब यहाँ समस्या नहीं। अब आगे और भी उम्र बढ़ेगी, हाथ पैर में दर्द होगा, और वहाँ पे खच्चर पे जाना पड़ता था, तो मैं चाहती हूँ खच्चर पे कोई ना जाए, खच्चर पे मतलब कोई ना जाए जिसमें दमे अपने पैर पे जाए। और अब तो यहाँ भी केदारधाम बन गया, अच्छा खुशी। आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी महिलाएं जो खड़ी बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये अभी से कुछ देर बाद या कुछ यहाँ पे कुछ देर पहले कलश यात्रा करके आई हैं। और मैं और भी पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आपको दिखेंगे। खुशी हो रही है केदारनाथ? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? कोई गीत वगैरह आप लोगों को आता है? गर्मी लग रही है। अच्छा, अभी गर्मी लग रही है। खैर, उसके बावजूद भी, चाहे इतनी गर्मी हो उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालु बेहद खुशी से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही भूमि पूजन होगा और कितनी जल्दी ये मंदिर बन जाए, ये सब देखने वाली चीज है। और कुछ देर बाद ही हम आपको सुनाएंगे कि मुख्यमंत्री साहब जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी
शिव भक्तों का, सभी हमारे भक्तगणों का, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो, भव्य तरीके से हो, उसको लेकर के आज भूमि पूजन हुआ। आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि की तिथि पंचमी है और इस तिथि में आज इस भूमि पूजन को किया गया। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में स्वयं मेरे साथ महामंडलेश्वर राघवेंद्र आनंद जी, गोपाल मणि जी महाराज, सभी जो हमारे महंत श्री महंत हैं, आज सभी महामंडलेश्वर बहुत सारे लोग थे। उत्तराखंड के लगभग हजारों की संख्या में यहाँ माताएँ बहनें उपस्थित थी। आप सभी जो देश के वरिष्ठ मीडिया बंधु हैं वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे लगता है यह एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान शिव का और महादेव की कृपा है जिसके कारण यह स्थान यहाँ भगवान शिव को समर्पित किया गया। मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भूमि दान दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, रामनारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है। और सुरेंद्र रोतेला जी मेरे शिष्य हैं, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न हुआ। मैं तो पुनः सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि निर्विघ्न यह कार्य पूरा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए और वो हमारे सभी परिवार हैं। मैं उनके साथ तन मन धन से, साधु के पास धन तो होता नहीं है, तन मन और आशीर्वाद होता है, तो मेरा भाव है कि यह मंदिर निर्विघ्नतापूर्वक पूरा हो और अविघ्न तरीके से इस मंदिर का कार्य समर्पित होकर के, पूर्ण होकर के दिल्ली के भक्तजनों को समर्पित किया जाए। मंदिर जो बन रहा है उसमें कोई सरकार का भी योगदान है? सरकार से तय कर लेंगे, सरकार उत्तराखंड इनकी सरकार है, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम इनके हैं, हम इनसे अलग नहीं है, सरकार इनसे अलग नहीं है। सरकार से जो भी ये आग्रह करेंगे निसंदेह सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कोई गौशाला खोलता है तो उसको गायों की ध्यान रखनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। बहुत गौशाला हैं जहाँ खूब बड़ी सेवा है गायों की, कुछ गौशाला हैं जहाँ सेवा नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी जो बात है मैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उन गौशाला संचालकों से मैं आग्रह करता हूँ कि उस गौशाला में वो विधिवत संचालन करें। आप हमारी गौशाला में भी कभी देखने आओ, आपको अच्छा लगेगा कि गायों को हम स्वयं से अधिक मानते हैं, हम जो खाते हैं उससे अधिक अच्छी व्यंजन हम गायों को खिलाते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है, गाय पूरी दुनिया की माँ है, इसलिए गायों की रक्षा करने वाला सदैव रक्षित होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गौ माता में। चारों धाम उत्तराखंड के और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनने जा रहे हैं जो कि एक अपने आप में विश्व स्तरीय होगा और अपने आप में एक बहुत ज्यादा स्मरणीय होगा। संकल्प कैसे आया आपके मन में कि दिल्ली में भी शिव धाम केदारनाथ धाम बने?
देखो शिव धाम और कैसे बने। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर अभी भी 2 महीने के अंदर 30 से लेकर 35 लाख लोग जा चुके हैं, और वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, और बड़े बुजुर्ग वहाँ नहीं जा पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो एक संकल्प लिया कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ से इजीली दर्शन कर पाएँ, और सेम आशीर्वाद बाबा खुद विराजमान यहाँ पर हुए हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, ये बाबा का खुद का एक हमारे पर आशीर्वाद है। हम तो निमित्त मात्र हैं जो ये करने वाले हैं, बाकी बाबा के आशीर्वाद से बाबा खुद यहाँ विराजमान होने वाले हैं और उनका ही आशीर्वाद से मंदिर बन रहा। मंदिर करीब करीब 2.5 से लेकर 3 साल तक बनकर तैयार हो जाएगा, और जो लागत है आर्किटेक्ट के अनुसार 14 से 15 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं, और इजीली बन जाएगा। बाकी आपके इसी की राय क्या है इस पूरी वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।